हाँ सर, बस आगे ऑफिस के बाहर ही हूँ। 2 मिनट सर बस। भैया QR देना अपना। हाँ लीजिए भैया जी। हो गया भैया। अरे भैया जी, पेमेंट तो आया नहीं है ना। पर मेरे अकाउंट से तो कट गया है। अरे पर हमारा तो कट जाएगा ना अगर पेमेंट नहीं आया तो। अरे यार, पेंडिंग में चला गया है, आ जाएगा। अरे भाई साहब, आजकल टॉपिक ट्रेंडिंग और पेमेंट पेंडिंग का कोई भरोसा नहीं है। आप ना एक बार और ट्राई कीजिए। देखिए, गरीब आदमी हूँ मैं। अच्छा रुक यार, फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ बॉस, बस गेट के बाहर ही हूँ, पहुँच रहा हूँ। अरे यार, अब क्या हुआ भाई साहब? भाई फिर से पेंडिंग में चला गया और पैसे कट गए हैं। अरे आप ठीक से तो भेज रहे हैं ना। अरे ठीक से क्या होता है, जैसे भेजना होता है वैसे ही भेज रहा हूँ। अब पेंडिंग में जा रहा है तो मेरी क्या गलती? अरे भाई साहब, तो गलती तो हमारी भी नहीं है ना। आप एक काम कीजिए, एक बार और कोशिश कीजिए। अरे गाँव पैसे भेजना है, अगर पैसा नहीं आया तो नुकसान हो जाएगा ना भाई साहब। और पैसे आ गए तो? अरे भाई साहब, अगर आ गए तो मैं आपको वापस कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, मेरा ले लीजिए, अपना दे दीजिए। अबे क्या लेने देने की बात कर रहा है? अरे मोबाइल नंबर भाई साहब, कॉल करने के लिए। अच्छा रुक, फिर से करता हूँ। हाँ हो गए, आ गया भाई साहब। और सुन, पैसे आए तो वापस कर दियो। अरे भाई साहब भरोसा कीजिए, आए तो तुरंत वापस कर दूंगा। हेलो भैया, 48 घंटे हो गए, मेरे 1800 रुपए नहीं आए वापस। आपके पास कोई मैसेज आया क्या? अरे भैया जी, कैसी बात कर रहे हो? अगर आ गए होते तो आपको भेज नहीं देता। आप सच तो बोल रहे हो ना? अरे भाई साहब, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? 1800 रुपए के खातिर मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। 1800 रुपए के तो मेरे गांव में बच्चे के डायपर आ जाते हैं। अब भाई साहब एक काम कीजिए, YTM पे कंप्लेंट कीजिए, आपकी सुनवाई जरूर होगा। हाँ हेलो भैया जी, क्या हाल चाल है? भैया के बच्चे, हाल चाल तो बाद में पूछो, पहले ये बता कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे? ये बेटियों वाले तो कह रहे कि तेरे अकाउंट में पैसे आ गए। हाँ भैया जी, अभी हमने पासबुक देखा, अब पैसे आ गए हैं सही सलामत। तो सही सलामत वापस कौन भेजेगा? अरे भैया जी, वही तो ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारे UPI में कोई दिक्कत हो गया है, कंप्लेंट किए हैं। जैसे ही ठीक होता है हम आपको भेज देंगे। अबे UPI काम नहीं कर रहा है तो कैश दे दे। हाँ भैया जी, ये भी ठीक है, आप एक काम कीजिए, गुड़गांव आ जाइए। अबे तेरा दिमाग तो सही है, कहाँ नोएडा कहाँ गुड़गांव। अबे नोएडा से गुड़गांव बहुत दूर है, तू नोएडा आ जा। अरे भाई साहब, आप जैसा बड़ा आदमी इतने से पैसों के लिए रोता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगता है। ठीक है, हम कभी नोएडा आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे। अच्छा ठीक है। कहाँ है बे तू? अरे भैया जी, गांव आ गए हैं ना, बिहार में। गांव आ गया है? साले 20 दिन हो गए, तुझसे नोएडा तो आया नहीं गया और तू गांव में घूम रहा है। अरे साले बोल रहे हैं, भैया जी गाली क्यों दे रहे हैं, पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोल। और वो हम ये कह रहे थे कि हम हमारा लुगाई मर गया है और हमारा बचवा भी बीमार है और हमारा भैंस दूध नहीं दे रहा है, मुर्गा अंडा नहीं दे रहा है, 1 महीने से ताड़ी नहीं पिया, बीड़ी पीने का पैसा नहीं है, ससरा दुख का पहाड़ टूट गया है भैया जी। अच्छा सॉरी, पता नहीं था मुझे। कोई बात नहीं है भैया जी, अब का ही कर सकते हैं, गरीब आदमी का किस्मत तो साला गधे की पूंछ से लिखा होता है ना। भैया जी वैसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कुछ मदद कर देते तो। अच्छा कितने कर दूं? अब भैया जी आप बस 10-20 हज़ार रुपए। भैया जी आप तो यहीं बैठे हो। साले इतने दिनों से तू मेरा बेवकूफ बना रहा है। एक बात बता, ये नोएडा बिहार में कब से आ गया है? भैया जी वो यहाँ का बुकिंग मिला था ना भैया जी, नोएडा का बुकिंग मिला था। तेरे बुकिंग मैं करता हूँ भैया जी। क्या बोलूँ, क्यों लड़ रहे हैं लोग? पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े के बिना भी बातचीत हो सकती है? आया क्या? नहीं भैया, अभी मशीन भी नहीं बोला, मैसेज भी नहीं आया अभी तो। पेंडिंग में अटक गया होगा यार, आ जाएगा। पैसे कहाँ मेरे? अरे अभी दे रहा है ना भैया जी। निकाल निकाल निकाल, लाइए भैया जी,
QR कोड दे दीजिए ना भैया जी। तूने कैश बोला था? कैश अभी पेटीएम से निकाल के ATM से निकाल कर देंगे। तेरा UPI भी खराब था। नहीं अब ठीक हो गया भैया जी, शिकायत किए थे ना। अच्छा अच्छा, शिकायत किए थे। साले तेरे से तो मैं 1800 भैया देखे ना 18000 लूंगा। 18000 साले भैया के पास दे रहे हैं भैया जी।